दोस्तों, कैसे ठीक ठाक। आज का हमारा ब्लॉग है डाडी करम खान के लिए। तो सुना है कि बहुत अच्छी और प्यारी और फेमस जगह है। मैं और मेरे दोस्त और मेरा कज़न, आज हमने सोचा कि आज हम आपको डाडी करम खान की सैर करें। तो हमारा सफ़र शुरू होता है रहीम लाला खान से, तकरीबन ये 30-35 किलोमीटर जनूब की तरफ है। तो आज का हमारा ब्लॉग डाडी करम खान की तरफ है, तो चले। तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है शेख जायद पैलेस। यहाँ उतरेंगे, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा पानी शानी पियेंगे, पानी पिए के फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। ये आप तकरीबन शेख जायद पैलेस के पुल के ऊपर पहुँचने वाले हैं। चले ये चलते रहेंगे। अब हम जी शेख जायद पैलेस के पुल के ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ थोड़ा देर आराम करेंगे, थोड़ा सा पानी शानी पियेंगे। बहुत VIP माहौल है यहाँ का, कभी आप आएँ जो देखें। और ये देखें, हर तरह की रिफ़्रेशमेंट भी यहाँ मिल सकती है, जलेबी है, ताज़ा होटल, हर चीज़ यहाँ है। ठीक है ना जी, ये देखें, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह शेख जायद के पुल के ऊपर पहुँच। मैं, मेरा कज़न और उनका दोस्त तुम्हारे साथ हैं। पानी पी रहे हैं, ये है अहमद पैलेस अहमद अली पैलेस। यहाँ पर हमने पानी पानी पिया, पानी पी के तो आगे चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है, आप आएँ कभी इस जगह पे, बहुत अच्छा आपको लगे, एंजॉय करें। ख़ास तौर के आप संडे वाले दिन आए तो बड़ा मज़ा आए। पानी और पा गए तो उसका पियो जनाब, प्यास यार बहुत लगी हुई है, गर्मी भी है। आप भी पिए जी, स्प्राइट पिए, ठीक हो गया। ये अब दोबारा हम पानी शानी पी के अबू धाबी पुल से अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गए हैं। हमारी मंजिल है डाडी करम खान। ये नहर के साथ साथ हम जा रहे हैं अब हम अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे हो, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें हमारे साथ।
आप हम थोड़े से you